अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये आविष्कार यानी बेकेलाइट भविष्य के लिए अहम साबित होगा। बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बेकलैंड ने यह शब्द प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अपने एक जर्नल में लिखे थे। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो बेकलैंड एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता अशिक्षित थे और वे लियो को भी अपनी ही तरह जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़ लिख कर आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन लियो की मां के मन में अपने बेटे को लेकर अलग ही सपने बस रहे थे। लियो ने 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। मां के हौसला बढ़ाने पर लियो ने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लियो ने घेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी जीत ली। लियो ने 20 साल की उम्र में ही केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की और अपने टीचर की बेटी से शादी करके अमेरिका पहुंच गए। इसके बाद लियो ने न्यूयॉर्क पहुंचकर नाम और धन कमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पेपर से बहुत पैसा कमाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा। बेकलैंड ने अपना समय बिताने के लिए अपने इस घर में एक लैब भी बनवाई। यही वो घर था जहां पर 1907 में उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल जैसे केमिकलों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। इस नए पदार्थ को उन्होंने नाम दिया बेकेलाइट। इस सफलता के बाद बेकलैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टाइम मैगजीन ने भी अपने कवर पर लियो बेकलैंड की तस्वीर छापी। खास बात यह थी कि पत्रिका ने लियो की तस्वीर के साथ उनके नाम की जगह लिखा था, ये ना जलेगा और ना पिघलेगा। बेकलैंड ने जब यह कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम है तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। विज्ञान से जुड़े विषयों पर लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार सूजन फ्रिंकेल ने प्लास्टिक पर एक किताब प्लास्टिक अ टॉक्सिक लव स्टोरी लिखी थी। इस किताब में फ्रिंकेल ने प्लास्टिक के साथ बिताए हुए एक दिन का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि वो एक पूरे दिन में ऐसी कितनी चीजों के संपर्क में आई जो प्लास्टिक से बनी हुई थी। इन चीजों में लाइट स्विच, टॉयलेट सीट, टूथब्रश और टूथपेस्ट ट्यूब आदि जैसी चीजें शामिल थीं। ऐसी चीजों की कुल संख्या 196 थी जो प्लास्टिक से बनी हुई थीं। इसके साथ ही गैर प्लास्टिक चीजों की संख्या 102 थी। इससे यह अंदाजा लग गया था कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना अहम हो चुका है। कितनी बड़ी है प्लास्टिक की दुनिया? दुनिया में कितनी प्लास्टिक बनती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने पूरे तेल उत्पादन का 8% हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में लगाते हैं। बेकेलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिए कहा कि इस आविष्कार से मानव ने जीव, खनिज और सब्जियों की सीमा के पार एक नई दुनिया ही खोज ली है जिसकी सीमाएं अपार हैं। यह बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगती है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच थी। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी प्राकृतिक तत्वों को विकसित करने या उनकी नकल बनाने के बारे में सोचा था। प्लास्टिक से पहले प्लास्टिक की ही तरह की चीज सेल्यूलाइट सामने आई थी जो पौधों पर निर्भर थी। बेकलैंड इलेक्ट्रिक इंसुलिन में प्रयोग होने वाले रेसिन शैलेक का विकल्प तलाश रहे थे जो कि झिंगुरों से निकलता था। लेकिन बेकलैंड जल्द ही समझ गए कि उनका आविष्कार बेकेलाइड शैलेक रेजिन के विकल्प बनने से भी बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। बेकेलाइट कॉरपोरेशन प्लास्टिक ने इस प्रयोग को प्रचलित करने की कोशिश में इसे हजारों तरह से प्रयोग किया जा सकने वाला पदार्थ भी कहा। प्लास्टिक का प्रयोग टेलीफोन, रेडियो, बंदूकों, कॉफी पॉट, बिलियर्ड्स बॉल से लेकर गहनों में भी होने लगा। बेकलैंड की सफलता के बाद दुनिया भर की साइंस लैब से प्लास्टिक के तरह तरह के रूप सामने आने लगे। इनमें पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलिस्टरीन, नायलॉन, पॉलीथाइलेन जैसी चीजें शामिल थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने प्लास्टिक के बने बर्तन सामने आने लगे, लेकिन प्लास्टिक की छवि ज्यादा दिनों तक रोमांचित करने वाली नहीं रही। बदलते वक्त के साथ बदली छवि। साल 1967 में आई फिल्म दी ग्रेजुएट में प्लास्टिक को लेकर एक अहम बातचीत है। फिल्म के मुख्य किरदार बेंजामिन ब्रेडॉक जब अपने बूढ़े पड़ोसी से अपने पेशे से जुड़ी राय मांगने पहुंचते हैं तो उनके पड़ोसी काफी देर तक एक कोने में घूरते हुए कहते हैं, सिर्फ एक शब्द, प्लास्टिक। फिल्म का यह डायलॉग खासा मशहूर हुआ क्योंकि इसने प्लास्टिक की बदलती हुई छवि को सहेजने की कोशिश की थी। बूढ़े पड़ोसी ने जब प्लास्टिक के क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया तो इसलिए क्योंकि उस पीढ़ी की नजर में अब भी प्लास्टिक के अंदर संभावनाएं थीं।
लेकिन युवा बेंजामिन के लिए प्लास्टिक एक सतही और नकली चीज थी। लेकिन ये अब भी ठीक सलाह ही थी, क्योंकि एक शताब्दी बाद इसका उत्पादन 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। प्लास्टिक से जुड़े पर्यावरणीय खतरे अक्सर सामने आते रहते हैं। जमीन में समाने के साथ प्लास्टिक के केमिकलों के भूजल में मिलने का खतरा बना रहता है। समुद्र में पहुंचने पर जलीय जीवों के इससे नुकसान होने का खतरा पैदा होता है। लेकिन प्लास्टिक के अपने पर्यावरणीय फायदे भी हैं। मसलन, प्लास्टिक से बनी गाड़ियां लोहे की गाड़ियों की तुलना में कम ईंधन खाती हैं। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को लेकर ताइवान एक सफल उदाहरण है। ताइवान ने ताइपे के नागरिकों के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना आसान बना दिया है। हाल ही में एक आविष्कार हुआ है जो आपके प्लास्टिक के कचरे को 3D प्रिंटर के फिलामेंट में बदल देता है। इसके साथ ही प्लास्टिक के कचरे को एग्रीकल्चर वेस्ट और नैनो पार्टिकल के साथ जोड़कर नए मटेरियल बनाने को लेकर प्रयोग जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।